हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम संकुलन क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होता है, जो कि सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्या है, उपस्थित है उसमें, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवेयी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं। संकुलन क्षमता की बात हो रही है कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवेयी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है, अच्छे से पहले इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, कि संकुलन क्षमता मतलब होता क्या है, क्या है कह रहा है। किसी क्रिस्टल जालक में, कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवेयी कण, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवेयी कण, जो अवेयी कण है वो कहाँ स्थित है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित है अवेयी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, ठीक है। जो अवेयी कण उपस्थित है क्रिस्टल जालक में, वो जालक के कुल आयतन का, किसका, कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हम पढ़ते हैं निविड संकुलित संरचना की तरफ, कि निविड संकुलित संरचना किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निविड संकुलित संरचना, ठोसों में अवेयी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, यहाँ पर बात हो रही है निविड संकुलित संरचना की, कि निविड संकुलित संरचना किसे कहते हैं, तो ठोसों में अवेयी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो, क्या कम हो, रिक्त स्थान कम हो, ठीक है। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड संकुलित संरचना कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठोसों में अवेयी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, मतलब इस प्रकार से उसमें फ्लिप रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो, यानी ठोसों में जो अवेयी कण है वो इस प्रकार से फ्लिप रहेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो, यानी उनके मध्य जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वो कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित, इस प्रकार से उसमें फ्लिप रहते हैं। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड संकुलित संरचना कहते हैं। अब हम निविड संकुलित संरचना के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, कि निविड संकुलित संरचना के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में इन्हें बांटा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, यहाँ पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं कि निविड संकुलित संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं, पहला है एक विमीय निविड संकुलन, दूसरा है द्विविमीय निविड संकुलन और तीसरा है त्रिविमीय निविड संकुलन। ये तीनों ही निविड संकुलित संरचना के प्रकार हैं, या इनको तीन भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये था संकुलन क्षमता तथा निविड संकुलित संरचना के बारे में डिटेल में, जो कि मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं लिख कर लाई थी, क्योंकि इससे हार्ड तरीके से भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, बट मैं आपके लिए ईजी तरीके से लिख कर लाई थी। दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से और आप समझ कर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल टीम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय, और अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।